दिस इज जयती और आप देख रहे हो मॉम स्टाइल या चैनल फॉर न्यू एज मॉम्स। दोस्तों मुझे एक क्विक रिव्यू आपके साथ शेयर करना था जो कि मुझे लगता है बहुत जरूरी है क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी तरह आप लोग भी कुछ यू नो गलती करो या फिर ऐसा कुछ अपने पैसे जो है वेस्ट कर दो जो बाद में आपको लगे कि यार गलती कर दी। सो इसलिए मैं ये रिव्यू आपके लिए लेके आई हूँ। आपने ये प्रोडक्ट आजकल हर एक सोशल मीडिया पे देखा होगा, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, पिंटरेस्ट पे, हर जगह ये प्रोडक्ट इस तरह से धूम मचाए हुए हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो सेलिब्रिटीज जिनको हम रेगुलरली फॉलो करते हैं वो भी इसके ऊपर काफ़ी प्रॉमिसेस कर रहे हैं कि ये कर देता है, वो कर देता है, आपकी बॉडी को फैट बर्निंग मशीन बना देता है एंड आप धनाधन वेट लूज करते हो और अपनी सारी फेवरेट जो आपके स्वीट डेजर्ट्स होते हैं आप वो खाते हुए भी अपना वेट लूज करते हो वगैरह। तो दोस्तों आपको इसी के बारे में मैं आज रियलिटी बताने वाली हूँ क्योंकि मैंने पिछले महीने आई थिंक कुछ 10-15 तारीख को पिछले महीने यूज़ करना इसे शुरू किया था एंड अब तक मुझे इसका ऐसा कोई रिजल्ट नहीं निकला जिसके इतने सारे दावे किए गए थे। फाइन, मैंने इसको खरीदने के पहले कस्टमर केयर को प्रॉपरली कॉल करके पूछा था कि क्या मुझे कुछ डाइट में चेंजेस या कुछ और करना है एंड दे क्लियरली मेंशन कि मुझे कुछ नहीं करना है, आई जस्ट हैव टू टेक दिस सुबह सुबह गर्म पानी के साथ 2 कैप्सूल्स एंड दैट्स इट। जबकि इसमें लिखा है कि मुझे खाने के आधे घंटे पहले एक एक कैप्सूल लेना है, बट जिस तरह से कस्टमर केयर ने कहा मैंने वो 15 दिन तक फॉलो किया एंड मुझे कोई असर नहीं नजर आया। हाँ, स्टार्टिंग का एक वीक मुझे ऐसा लगा कि पेट बहुत अच्छे से साफ हो रहा है एंड जो ब्लॉटिंग फील होती है ना वो फीलिंग नहीं हो रही है, बट उसके अलावा वेट में मुझे कोई रिडक्शन नहीं लगा, फैट में मुझे कोई लॉस नहीं दिखा। सो आई वॉज टोटली डिसअपॉइंटेड। उसके बाद 15 दिन बाद मैंने क्या किया, जैसा इसमें लिखा है वो करना शुरू किया कि हर खाने के ना आधे घंटे पहले इसको गर्म पानी के साथ लेना शुरू किया, लेकिन उसके बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। लास्ट 15 दिन में मैंने कम्प्लीटली स्वीट छोड़ दिया था, राइस छोड़ दिया था, बट ऐसा कोई खास फर्क मुझे नहीं दिखा। इसलिए मेरे लिए ये कीटो सो कॉल्ड डॉट इन इज अ टोटल फ्लॉप। सो प्लीज़, अगर ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपके हो सकता है आपका एक्सपीरियंस अलग रहा हो, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दिस इज कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी। अगर आपको कीटोसिस ट्राई ही करना है तो कीटो डाइट ट्राई करो, दैट इज वे बेटर। कीटो डाइट सबसे मतलब अब तक का मुझे लगता है हेल्दीएस्ट एंड द बेस्ट डाइट है, तो आप वो ट्राई कर सकते हो रैदर देन गोइंग फॉर द शॉर्टकट, बिकॉज ये सच्ची में शॉर्टकट ही है। जिस तरह से आप जाओगे उसी तरह से आप वापस आ जाओगे, कोई बदलाव नहीं आएगा। इससे बेहतर है कि अगर आपको कीटो पे विश्वास करना ही है तो कीटो डाइट फॉलो करो। प्रॉपर डाइट के ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ एंड उसमें आपको डाइट चार्ट के ऊपर भी मैं हेल्प करूंगी, ताकि जिसको देखने के बाद जो आपको पूरी वीडियो देख लोगे आप खुद अपना डाइट चार्ट खुद बना पाओगे। ओके, सो ये था मेरा आज का रिव्यू, आई होप इट विल हेल्प। तो प्लीज़ इसे खरीदने के पहले 2-3 बार जरूर सोचना, सेलिब्रिटीज़ की बातों में मत आना, दे आर जस्ट गेटिंग मनी उसकी तारीफ करने के लिए। सो प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना, आप लोग सोच समझ के ही परचेस करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और वीडियो पसंद आई हो तो क्लिक द लाइक बटन। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल मॉम्स डायरी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉर लेटेस्ट अपडेट प्रेस द बेल।